Hello, welcome to Arbind Singh Academy, and we are discussing current electricity, and this is lecture number 11. I hope you have already watched part 1 to part 10 before watching this part 11. आज की लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस पे बात कर रहे थे पिछली क्लास में, और इस क्लास में उसको एक्सटेंड करते हैं. एक टॉपिक और रह गया है सिलेबस के हिसाब से. वो टॉपिक ये है कि हाउ टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर. सो टॉपिक का नाम है डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाई पोटेंशियोमीटर मेथड. टॉपिक के नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता करने के लिए कुछ डेरिवेशंस या फॉर्मूला या टेक्निक जो भी कह सकते हैं वो हमें डिराइव करना है. पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको पहले से पता है कि पोटेंशियोमीटर क्या है. अब उसके एप्लीकेशन से, जैसा कि पिछले एप्लीकेशन में हमने किया था कि दो ईएमएफ की कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के इस्तेमाल से, आज हम उसका एक्सटेंडेड पार्ट कर रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं. तो पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर आपको पता ही है. पोटेंशियोमीटर एक ये सिंपल सा लिया है हमने, वैसे इसमें होता है एक रियोस्टेट होती है, ठीक है, पता ही है आपको, और एक अमीटर लगा होता है ये जो इसमें करंट को मेजर करता है, और इसके अलावा एक की लगी होती है. मान लीजिए यहाँ की लगी हुई है, K1 मान लेते हैं चूंकि यहाँ पे K इस्तेमाल किया हुआ है. तो ये बेसिक प्राइमरी पोटेंशियोमीटर होता है. यहाँ पे ये लॉन्ग वायर्स होते हैं, आपको पता ही है कि सब वायर है, कॉपर स्ट्रिप से ये जुड़े होते हैं, है ना, ताकि करंट इसमें से इसमें और इसमें से इसमें फ्लो हो. ये सब आपको पिछली क्लास में पता चल चुका है, हम उसको नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, और ऐसा डायग्राम नहीं लिया है जैसे कि ये बहुत ज्यादा डर्टी लगे. तो ये सब बात आपको पहले से पता है. अब यहाँ पर क्या है कि हमने एक सेल को कनेक्ट किया. ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है. तो हमने क्या किया कि एक सेल को कनेक्ट किया है, और ये सेल करंट से प्राइमरी सर्किट में तो आपको पता ही है कि करंट फ्लो होता है, और ये इस सर से आता है, बी में जाता है, यहाँ से फिर वायर सबके जरिए होकर के वापस ई में चला जाता है सेल में. तो ये प्राइमरी सर्किट तो ये पूरा होता ही है इस तरह का, है ना. अब सेकेंडरी सर्किट के लिए यहाँ से इसको एक और सेल से जोड़ दिया गया, और इस सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. अब एक ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है जिसके जरिए एक जॉकी जुड़ा हुआ है पॉइंटर्स. इसमें क्या होगा कि जब हम इस सेल को ये एक और एडिशनल हम कनेक्शन कर देते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स हम डाल देते हैं जिसके रेजिस्टेंस आर है, और एक की जोड़ देते हैं, की से कनेक्ट कर देते हैं. अभी पहली बार में हम इस की को ओपन रखते हैं. की को ओपन रखने पे क्या होगा कि इधर से करंट फ्लो नहीं होगा. आपको पता ही है ओपन सर्किट हो गया तो इधर करंट फ्लो नहीं होगा, बट ये सेकेंडरी सर्किट जो होगा वो पूरा होगा इधर से आकर के, और करंट इस जॉकी के जरिए जाएगा. तो यहां से भी चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां से करंट इधर की ओर निकलेगा, और ये भी इधर से होकर के जाएगा यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स, और फिर यहां से आकर के वहां वापस होगा. कहने का मतलब क्या है कि इस सेल के जरिए जिसका ईएमएफ ई है, और ये है पहली बार में जब हम ये पूरी सिस्टम को कनेक्ट करते हैं और इस की को यहाँ के की को ऑन करते हैं, तो ये सेकेंडरी सर्किट भी पूरा हो जाएगा, और सेकेंडरी सर्किट में ये पॉइंटर को हम वायर के आगे पीछे ले जाएंगे टच कराते हुए, जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा, इसका मतलब दैट इज बैलेंस पॉइंट, और उसकी लेंथ हम L1 मेजर कर लेंगे कि वो कितना है. स्केल इस पर लगी होती है, एक मीटर की स्केल लगी होती है जिसकी मदद से आसानी से ये लेंथ मेजर किया जा सकता है कि ये कितना है. तो अब ये मान लीजिए कि जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, इसका मतलब इधर से करंट होकर के फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये ब्रिज बैलेंस माना जाएगा. इसमें करंट होकर के फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप जो है EMF का across the wire वो पता चल जाएगा, because कि this is the directly proportional to the length.
So E is directly proportional to length and therefore E is equal to K L1. L1 मान लेते हैं पहला distance को, ये L1 लिखा है, तो E is equal to K L1, capital L से हमने represent किया है यहाँ पे, तो capital L लिख देते हैं, ठीक है, where K is potential gradient, potential gradient, बताइए आपको, तो EMF gradient, EMF जो सेल का है वो इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इसलिए L1 हो गया। अब इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं और इस की को भी हम ऑन कर देते हैं। इस की को अगर ऑन कर दिया यानी क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के बाद इस सिस्टम में एक नया रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, नया रेजिस्टेंस आ जाएगा तो ये जो पहले बैलेंस था वो बैलेंस पॉइंट रहेगा नहीं। अब उसको आगे पीछे फिर रोटेट करके हमने आगे पीछे स्क्रॉल करके देखेंगे वायर पे कहां पे बैलेंस पॉइंट मिलता है, तो दूसरा बैलेंस पॉइंट ये डी डैश पे मान लीजिए मिल गया और इसकी लेंथ एल टू है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पोल, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पोल ऑफ द सेल, राइट, यहां पे ये टू पोल हो गई सेल का दो तरफ से, इस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ होगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, देन v इज आल्सो इक्वल टू व्हाट k l2, ये हो गया। अब दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड 1 बाय 2, डिवाइड 1 बाय 2, वी गेट 1 बाय 2, वी गेट क्या मिलेगा, e बाय v इज इक्वल टू l1 बाय l2, ये आ जाएगा E by V is equal to L1 by L2, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी E by V is equal to L1 by L2, ये आ गया एक रिलेशन, है ना। अब हम जानते हैं कि किसी भी सेल को अगर किसी सर्किट में जिसका EMF E हो, we know if a cell of EMF E and internal resistance R, internal resistance R is connected with resistance R R in the circuit, circuit with potential difference V, difference V across the resistance R, then R is given by what? So E minus V by V into R. ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हैं E by V minus V by V that is 1 into R, इसका मतलब ये हुआ कि E by V के बदले यहां से जो हमने लिखा है L1 by L2 वो लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं using 1 L1 by L2 minus 1 into R और L1 minus L2 आप डिफरेंस निकाल सकते हैं L1 से L2, L1 minus L2 upon L2 into R, है ना, ये निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ L1 हमने मेजर कर लिया है, L2 मेजर कर लिया है और R रेजिस्टेंस पता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस पता किया जा सकता है, and therefore R can be calculated because L1 L2 is known, internal resistance is also external resistance, resistance box में measured किया हुआ होता है, so since L1 and L2 are measured above and R is known from resistance box and therefore
small r, internal resistance small r can be calculated. Internal resistance small r be calculated. Calculated. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। थ्योरी जो मैंने बोला है उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे यही देखना है, अगर आप और ज्यादा डिटेल में थोड़ी सी करना चाहें तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि ईएमएफ ऑफ बिटवीन द टू सेल्स टू पोल्स, ईएमएफ बिटवीन टू पोल्स ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, चलिए थोड़ा और इसको लिख देता हूं डिटेल में, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ऑफ लेंथ एल टू एंड देयर फोर वी इज इक्वल टू के एल टू, है ना, ये इस तरह से आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ऑफ लेंथ एल वन, है ना, एंड देयर फोर ई इज इक्वल टू के एल टू, बस। और इससे ज्यादा कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप समझते हैं। तो इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब अगला टॉपिक पे बात करते हैं, और अगला टॉपिक क्या है, कोई नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई टॉपिक नहीं है, बट इसकी कुछ खूबियां और जाननी है, ये लास्ट टॉपिक है, इसकी कुछ खूबियां जाननी है कि सेंसिटिवनेस ऑफ क्या होती है इसकी। गैल्वेनोमीटर, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये पोटेंशियोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, सॉरी गैल्वेनोमीटर का नाम ले लिया, पोटेंशियोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसलिए उसके सेंसिटिवनेस के बारे में बात होगी। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर कितना सेंसिटिव है ये बात कैसे पता चलेगी। जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा, इसका मतलब है कि जितना माइक्रो लेवल पे, बहुत माइन्यूट लेवल पे, बहुत छोटी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, तो उसकी सेंसिटिवनेस ज्यादा होगी। सेंसिटिव होने का मतलब है कि बारीक से बारीक, छोटे से छोटे, जो जितना ज्यादा छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है उसको हम कहेंगे कि ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है ना। तो ज्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होने का मतलब है कि ये कितना स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब है कि सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, इट मींस how small the potential difference can be measured by potentiometer, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि हमने कहा कि V इज इक्वल टू के एल, आप सोचिए कि ये K अगर छोटा होगा तो ये क्या होगा, V छोटा होगा, है ना। सो पहला चीज ये की है कि द पोटेंशियल डिफरेंस मोर सेंसिटिव, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर मीटर कैन बी इंक्रीज्ड विथ डिक्रीज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट
पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करने से ये इंक्रीज हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। और चूंकि छोटा से छोटा पोटेंशियल को डिक्रीज करे मेजर कर सकेगा, इसका मतलब उसकी सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी, है ना, वो ज्यादा सेंसिटिव कहा जाएगा। तो के क्या होता है? के होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आपने सीखा है कि के इज इक्वल टू होता है रो आई अपॉन ए। रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ वायर और ए आई क्या होता है करंट। यानी करंट के मैग्नीट्यूड को अगर कम करें तो के कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर द अमाउंट ऑफ करंट शुड बी डिक्रीज डिक्रीज बाय यूजिंग रियोस्टेट रियोस्टेट। ठीक है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको आप बढ़ा करके और करंट के मैग्नीट्यूड को कम कर सकते हैं। दूसरा, यहां से देखने से ये पता चल रहा है अगर इसका लेंथ ज्यादा हो तो भी हम बढ़ा सकते हैं पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी, क्योंकि लेंथ ज्यादा होगी तो ड्रॉप जो होगा वो बहुत माइन्यूट भी पता चल सकेगा क्योंकि लेंथ ज्यादा होगी। तीसरा, सो टू इंक्रीज लेंथ, इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज। ठीक है, तो ये है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक और टॉपिक पे बात करते हैं, और ये कोई नया टॉपिक नहीं है बल्कि आपके दिमाग में आने वाला एक क्वेश्चन है जिसका हम उत्तर देना चाहते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? जैसा कि हमने पहले ही लेक्चर में कहा था जब पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था, तो कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, तो आप ये बताइए कि वोल्ट मीटर के अलावा फिर पोटेंशियोमीटर क्या जरूरत पड़ी। तो हमने जवाब दिया था कि वोल्ट मीटर जो है वो बड़े पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, माइक्रो लेवल पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे से छोटे अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर कर सकता है, ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। वोल्ट मीटर में खुद कुछ करंट चाहिए जो अपने फंक्शन को काम करने के लिए, तो कुछ करंट वो खुद खा जाता है। यहाँ करंट पूरा का पूरा जो है वो इस्तेमाल होता है, कुछ इसके अपने ऑपरेशन के लिए करंट नहीं चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों में कंपैरिजन क्या है और व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है ना, थोड़ा पॉइंट वाइज अगर इसे याद कर लें तो आगे सहूलियत होगी समझने में, है ना। तो इसलिए इसको पॉइंट वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा क्लासिक कर लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर और दूसरा हम ले लेते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? इट कैन मेजर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस है ना, ये मेजर कर सकता है। दैट इज इट्स सेंसिटिविटी इज वेरी लो, सेंसिटिविटी VT is very low, है ना, और very high
हाई सेंसिटिव होता है और इंक्रीज भी किया जा सकता है। दूसरा, इट कैन मेजर इट कांट मेजर मेजर द वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये इतने छोटे को मेजर नहीं कर सकता। सो इसकी सेंसिटिविटी दैट इज its sensitivity is very low, ठीक है। दूसरा, it can measure the EMF of a cell very accurately, it can measure EMF of cell very accurately, और ये क्या करेंगे, इट कैन मेजर द EMF ऑफ सेल अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यानी इट्स नॉट सो एक्यूरेट, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस। इसमें काम किस में करता है, इट बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर में जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है तब ये काम करता है, और इसमें वोल्टमीटर में क्या डिफ्लेक्शन होगा तभी हम बता पाएंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होने पे काम करता है, ये डिफ्लेक्शन होने पे काम करता है। तो इट बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन पॉइंट, तभी हम जहां पर जितना डिफ्लेक्स होगा उसी के हिसाब से हम कह पाएंगे कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये हम कह सकते हैं कि वर्किंग के हिसाब से क्या होता है। वर्किंग के हिसाब से पोटेंशियोमीटर नो करंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट इज इट डजंट विड्रॉ ड्रॉ current from source EMF, ठीक है, and here some current is required for its functioning, although it's very small, it's functioning, ठीक है, and therefore it withdraws some current from source EMF, ठीक है। और पॉइंट क्या हो, while measuring the EMF resistance of potentiometer becomes infinite, ठीक है। Here in voltmeter the resistance is high but not infinite, ठीक है, ये होता है। और एक पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, it can be used for
फॉर वेरियस पर्पस, जैसा कि हम पहले दिन बताया था कि मेडिकल इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है वेरियस पर्पस, और इट कैन बी यूज फॉर, इट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इन दोनों के बीच में, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक आखिरी टॉपिक था जिसका हमने डिस्कशन कर लिया। एक और टॉपिक है जो कि सिलेबस में तो नहीं है ट्वेल्थ की, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको भी डिस्कस किया जाए। वो टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, थोड़ी सी नॉलेज के लिए। ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज सिलेबस में तो नहीं है, बट थोड़ा सा जान लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज का इस्तेमाल किसी अनोन रेजिस्टेंस को पता करने के लिए, उसकी वैल्यू पता करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। कैसे करेंगे, इसे व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन है, बट ये सिलेबस में डायरेक्टली अभी नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हो सकता है मदद मिले, और जरूर मदद मिलेगी, इसलिए इस बात को हम बता रहे हैं। थोड़ा सा एप्लीकेशन बता रहे हैं क्या होता है और कैसे होता है। इससे हम किसी अनोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब ये है स्लाइड वायर, इसमें एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये देखिए कॉपर स्ट्राइप्स हैं, ये भी कॉपर स्ट्राइप है, ये कॉपर स्ट्राइप है, और ये एक मीटर लंबी एक वायर है, इसलिए 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। यहाँ पे बी पे भी एक कॉपर स्ट्रिप पे एक वायर है, जिसमें जॉकी गैल्वेनोमीटर लगा है और एक जॉकी लगा है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, लंबी वायर हो तो लंबा रेजिस्टेंस होता है। अगर हम मान लेते हैं कि लेट आर बी द स्मॉल आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब है कि एक लेंथ के लिए रेजिस्टेंस होगा आर, तो टू लेंथ होगा, यूनिट लेंथ होगा तो 2R, 3 यूनिट लेंथ होगा तो 3R, और L यूनिट लेंथ होगा, L सेंटीमीटर लेंथ होगा तो LR होगा, है ना। तो लेंथ यहाँ सेंटीमीटर के फॉर्म में है, तो अगर L सेंटीमीटर होगा तो LR रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब है कि एक यहाँ पे अनोन रेजिस्टेंस है और एक अनोन रेजिस्टेंस है, इसमें से ये हम मान लें कि R जो है ये नोन रेजिस्टेंस है, और यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में ये कनेक्टेड किया गया है। S जो है ये अनोन है, तो R और S दो रेजिस्टेंस हो गए। एक B पे यहाँ कॉपर वायर से ये स्ट्राइप किया गया और ये कनेक्ट किया गया, तो ये समझ लीजिए कि दो रेजिस्टेंस आजू बाजू हैं और दो रेजिस्टेंस इधर होंगे। इधर लेंथ L1 है, इधर 100 - L1 होगा, क्योंकि टोटल लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर है तो इधर का लेंथ L1 है, तो इधर का लेंथ 100 - L1 होगा। अब L1 क्या है और कौन सा लेंथ है, यहाँ से जो इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा है और एक जॉकी लगा है, उससे इस वायर पे हम आगे पीछे करते हैं, टच कराते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा मिलता है ये डी, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है इस पॉइंट पे, इसका अर्थ ये है कि ये पॉइंट जो है वो बैलेंस पॉइंट है, और यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, तो बिल्कुल उसी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नहीं हो गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एस है ना, और ये एक जॉकी इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये आकर के इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि बैलेंस हो जा रहा है, तो इधर का एक रेजिस्टेंस और इधर का एक रेजिस्टेंस आपको मिल करके व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है। तो इधर का रेजिस्टेंस कौन है, तो ये है एल लेंथ है तो एल आर रेजिस्टेंस हो गया, इधर का 100 - L लेंथ है तो 100 - L इंटू आर रेजिस्टेंस हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये कहा जाएगा कि ब्रिज क्या है, बैलेंस है, तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस करते थे, तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, है ना। तो करना यही है कि इसके जरिए हमें ये देखना है कि कौन सा पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, यानी ब्रिज बैलेंस है। तो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ, अगर ये L1 लेंथ है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, L1 R हो जाएगा, अगर ये लेंथ L2 है तो ये L2 R हो जाएगा,
डिफ्लेक्शन जीरो जीरो डिफ्लेक्शन नो डिफ्लेक्शन देन डी इज कॉल्ड बैलेंस पॉइंट ठीक है। डी के इधर ले जाएंगे तब भी डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर में इधर ले जाएंगे तब भी डिफ्लेक्शन होगा, बट डी पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जीरो होगा, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर सोच नो डिफ्लेक्शन एंड देयरफॉर इट इज ए बैलेंस पॉइंट। अब ये रेजिस्टेंस ऑफ L1, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L1 इज व्हाट L1 आर एंड रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L2 यानी 100 माइनस L2, L2 की जगह पे क्या है 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 100 माइनस L1 इनटू R, ये है L2, इसी को L2 कह देते हैं, L2R यानी 100 माइनस L1 इनटू R और L2R। तो अब यहाँ पे चूंकि बैलेंस है तो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S होता है, तो ये हो जाएगा कि R by S is equal to LR, L1R upon 100 minus L1 into R, बोलिए, R से R cancel हो गया, अब आपको निकालना S है, तो S is equal to क्या हो जाएगा, therefore S is equal to S, unknown resistance है, तो 100 minus L1 upon L1 into R, आपको L length पता है, वो तो आपने measure कर लिया है, R known resistance है, वो भी पता है, तो उससे S की value पता की जा सकती है, S नोन अनोन रेजिस्टेंस है, ये है अनोन रेजिस्टेंस और अनोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता की जा सकती है, R नोन रेजिस्टेंस है पता है, L आपने पता कर लिया है, तो इससे आपने L1 पता कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक मेजर और स्केल पे पता चली जाएगा, तो आप एक अनोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये एक अप्लीकेशन है जिसको स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज कहते हैं, तो मीटर ब्रिज यही है और ये एक मीटर है, इसके अलोंग ये वायर है जो पूरी एक मीटर की है, 100 सेंटीमीटर की है, ये एक अनोन रेजिस्टेंस है, ये है अनोन और ये है नोन रेजिस्टेंस, ये है नोन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से पता चल गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ से पता चल गया, तो ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जिससे हमने इस्तेमाल कर लिया व्हीटस्टोन ब्रिज का और हम S पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और ये थ्योरी आज यही कंप्लीट होता है, क्लास 12 तक की थ्योरी। एंट्रेंस के लिए थोड़ी थ्योरी और पढ़ने की जरूरत है, बहुत सारी है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा ही है, उसके अलग से क्लासेज होंगी और उसमें बात बताई जाएगी। बोर्ड के लिए थ्योरी इतनी ही है, आखिरी के टॉपिक जो स्लाइड वायर और मीटर ब्रिज है इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, और लेकिन न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हो सकते हैं इसलिए इसको बेसिक चीज पता होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगी, थ्योरी को एक दो बार जरूर पढ़े, अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, जो बच्चे आपके या तो दोस्त नहीं इस चैनल को देख पा रहे हैं वो भी देखें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू, गॉड ब्लेस।